यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों में तेजी दिखाई है। यही वजह है कि यूक्रेन को युद्ध भूमि में हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस बीच खबर है कि रूस ने यूक्रेन के काला सागर किनारे बसे ओडेसा शहर पर एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार मिसाइल से हमला किया है, जिसमें अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं इस भीषण हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओडेसा के मेयर ने बताया कि दुश्मन देश रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमले में नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। बुधवार को हुए रॉकेट अटैक में 3 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। बता दें कि बीते सोमवार को भी रूसी सेना के ओडेसा शहर में मिसाइल हमले में 5 लोग मारे गए थे। यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण काला सागर बंदरगाह ओडेसा पर हाल के दिनों में घातक मिसाइल और ड्रोन हमले तेज हुए हैं। दावा है कि रूस अमेरिकी हथियारों के आने से पहले पूर्वी यूक्रेन के मोर्चे पर बढ़त बना रहा है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने सोशल मीडिया एक्स पर सीसीटीवी में कैद एक वीडियो जारी किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब समुद्र किनारे तेजी से कई बम विस्फोट हुए और तबाही मच गई। बताया जा रहा है कि रूसी हमले में कई अहम और ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मेयर ने बताया कि हमले में करीब 20 आवासीय भवनों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। इससे पहले से ही गंभीर स्थिति में और भी गंभीर हो गई है, और इस हमले से एक दिन पहले रूस के मिसाइल अटैक में एक शैक्षणिक संस्थान तबाह हो गया, जिसे हैरी पॉटर महल भी कहा जाता है। यूक्रेनी अधिकारियों की माने तो सोमवार को रूस ने अपने हवाई हमले को क्लस्टर हथियारों के साथ इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर अंजाम दिया था। जनरल एंड्री कोस्टीन ने व्यापक दायरे में बिखरे हुए मिसाइल के मलबे और टुकड़ों की बरामदगी का खुलासा किया था। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में देरी का सामना नहीं करना पड़ रहा होता तो इस हमले से बचा जा सकता था। जेलेंस्की ने नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलेनबर्ग की मौजूदगी में सामने कहा था कि यूक्रेन में थोड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पहुंचाना शुरू हो गया है, मगर हथियारों की डिलीवरी में तेजी लाने की सख्त जरूरत है। खुद नेटो चीफ ने माना है कि नेटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन से जो वादा किया था वो उसे समय पर पूरा नहीं कर पा रहे, जिससे रूस को कई मोर्चों पर फायदा भी हुआ है।